नमस्कार दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। प्रश्नों की श्रृंखला में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे भारत की जो प्रमुख मिट्टियां हैं उनके बारे में। इस वीडियो में जो भी मिट्टी से संबंधित प्रश्न हैं उसको इसमें शामिल किया गया है। इस वीडियो को आप लोग शुरू से लास्ट तक देखिएगा। ये सभी प्रकार के एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण हैं। हर एग्ज़ाम में किसी न किसी जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें एक न एक एक या दो क्वेश्चन जरूर इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। और साथ ही साथ अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे कि जो भी अगला वीडियो पड़े उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं टॉपिक की तरफ। पहला क्वेश्चन है, भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो इसमें जो रेगूर मिट्टी है, रेगूर मिट्टी का जो निर्माण होता है वो बसाल्ट चावा जो लावा जो चट्टान होती है उनके अपक्षय के कारण इनका निर्माण होता है। रेगूर मिट्टी को काली मिट्टी भी कहा जाता है। रेगूर मिट्टी को क्या बोला जाता है? काली मिट्टी भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, रेगूर मिट्टी सबसे ज़्यादा है, तो जो रेगूर मिट्टी है निम्न में से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में इसका विस्तार है। महाराष्ट्र के अलावा अगर देखा जाए तो जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है वहाँ पर है, गुजरात आंध्र प्रदेश कर्नाटक इत्यादि राज्यों में पाई जाती है सर्वाधिक मात्रा में। नेक्स्ट, ये अगर बात करें इसकी जो कितने क्षेत्रफल में, तो ये लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस मिट्टी का जो विस्तार है 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। नेक्स्ट देखते हैं, कथन कारण के रूप में है कि दक्षिणी ट्रेप की रेगूर मिट्टियाँ काली होती हैं। सही है, इनमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है। तो नीचे दिए गए कोर्स से सही उत्तर चुनिए। इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये सही है परंतु आर गलत है। इनमें ह्यूमस की प्रचुर मात्रा नहीं पाई जाती है। जैसे कि इसमें जो पाई जाने वाले जो मुख्य जो तत्व हैं वो कौन कौन से हैं? लोहा है, चूना है, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट। जबकि जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थ की जो होती है वो कमी पाई जाती है। तो क्वेश्चन में अगर ह्यूमस के अलावा अगर पूछा जाए कि किस चीज़ की कमी होती है तो वो होता है नाइट्रोजन और फास्फोरस। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन से सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो काली जो मिट्टी होती है ये कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। बिल्कुल सही है, अभी हम लोगों ने देखा। कारण, उनमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। नहीं, इसमें जैव तत्व नहीं पाया जाता है, तो ये गलत है। तो सीधे सीधे इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ये सही है परंतु आर गलत होता है। नेक्स्ट है, मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी है, तो मालवा पठार की जो प्रमुख मिट्टी है वो है काली मिट्टी। नेक्स्ट, इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी रोक कर रखती है, वह कौन सी है? देखिए, जो काली मिट्टी होती है इनको जो सिंचाई की आवश्यकता होती है वो कम होती है। क्यों होती है? कि इसमें जब बारिश होती है या जब पानी पड़ता है तो ये काफ़ी देर तक उसे रोका रखता है, और ये जब मिट्टी यानी कि जब पानी जब उसमें भर जाता है तो ये मिट्टी जो होती है वो क्या हो जाती है? चिपचिपी हो जाती है, चिपचिपी। लेकिन जब यही मिट्टी जब सूखता है तो इसमें क्या होती हैं? लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी क्या पड़ती हैं? दरारें पड़ जाती हैं। और इन दरारों के पड़ने के कारण इनको क्या कहा जाता है? स्वतः जुताई वाला मृदा या स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी बोला जाता है। तो ये सब आप लोग ध्यान में रखिएगा कि किस मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है, तो काली मिट्टी को। किस मिट्टी में बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं? काली मिट्टी में। किस मिट्टी में पानी या नमी पड़ने के कारण चिपचिपी हो जाती है? तो ये होती है काली मिट्टी। नेक्स्ट, झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो जो झारखंड में काली मिट्टी जो पाई जाती है वो राजमहल की जो पहाड़ी क्षेत्र है इसमें इस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। इसको जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान है उसी के रिपोर्ट के अनुसार इस क्षेत्र में
बताया गया था कि राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में काली मिट्टी की विस्तार पाई जाती है। अब जो राजमहल पहाड़ी है, इसी पे आपको, अगर आप लोगों ने जो प्रायद्वीपी पठार पढ़ा होगा तो उसमें बताया गया था, जो छोटा नागपुर क्षेत्र का जो चैप्टर है उसमें, कि जो राजमहल पहाड़ी है इसी पे स्थित है कौन सा, डालमा हिल। जो डालमा हिल है वो एकमात्र क्या है, ज्वालामुखी पर्वत है, ज्वालामुखी। तो इस प्रकार से भी आप देख सकते हैं कि लावा से निर्मित जो बसाल्ट चट्टान होती हैं वहाँ उनके अपक्षय के कारण क्या होती है, काली मृदा का विकास होता है। तो जब वहाँ पे ज्वाला है, ज्वालामुखी है या है या फिर थी, तो क्या है कि वहाँ पे काली मिट्टी का विस्तार हो सकता है। तो इस प्रकार से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है। इसमें कह रहा है कि काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है, ये ल नहीं रहेगा, रेगुर कहा जाता है। बी में कह रहा है कि क्रेप्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है। तो हाँ, क्रेप्स महोदय ने कहा था कि जो काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी होती है वो अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है, तो ये भी सही है। काली मिट्टी में आर्द्रता धारण करने की उच्च क्षमता होती है, ये भी सही है, हम लोग पीछे देख लिए। डी में कह रहा है कि काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, ये गलत है। यानी कि इस प्रकार से प्रश्न के अनुसार आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, हिमालय क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है, भारत की लेटराइट मिट्टी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें चार वो दिया गया है नंबर, जैसे कि पहला में कह रहा है वह साधारणतः लाल रंग की होती है, जी बिल्कुल सही है, जो लेटराइट मिट्टी होती है वो साधारणतः क्या होती है, लाल रंग की होती है। दूसरा हम कह रहे हैं कि वे नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध होती है, तो इसमें जो नाइट्रोजन और पोटास की क्या होती है, कमी होती है, तो ये गलत है। उनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है, नहीं, ये भी गलत है। जो राजस्थान है, जानते हैं कि एक सूखा प्रभावित क्षेत्र है, और उत्तर प्रदेश में भी बहुत अच्छी खासी बारिश नहीं होती है। लेटराइट मिट्टी की विकास के लिए कम से कम 200 सेंटीमीटर बारिश की आवश्यकता होती है, तो आप समझ सकते हैं कि इन दोनों जगहों पे इस मिट्टी का विकास नहीं हो सकता। इन मिट्टियों में टेपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है, ये सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, एक और चार, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है लेटराइट मिट्टियों का प्राधान्य है। तो जो लेटराइट मिट्टियों का जो प्राधान्य है वो मालाबार तटीय प्रदेश है, वहाँ पे कैसे है, क्योंकि देखते हैं आप वहाँ पे अरब सागर से जो उठने वाली हवाएं हैं उससे जाके जो तटों से टकराती हैं, ऊंची ऊंची चूँकि वहाँ पे पर्वतें पहाड़े हैं तो वहाँ टकराती हैं और बारिश कर देती हैं, और वहाँ पे 200 से ऊपर यानी कि 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है, इसलिए वहाँ पे लेटराइट मिट्टी का विकास हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन लेटराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है। वे आर्द्र अपक्षालित प्रदेशों की मिट्टियाँ हैं, बिल्कुल सही है, अभी हम लोगों ने पीछे इसके बारे में चर्चा किया। वह बहुत ही अपक्षालित मिट्टियाँ हैं, ये भी सही है। उनकी उर्वरता कम होती है, ये भी सही है। इनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो नहीं, ये गलत है। इस मिट्टी में चूना की जो मात्रा होती है वो क्या होती है, कम होती है, ठीक है। इसमें जो अन्य जो प्रचुर मात्रा में जो पाए जाने वाले जो तत्व हैं वो कौन कौन से हैं, लोह ऑक्साइड यानी कि लोहा, एल्युमिनियम की ऑक्साइड इसमें प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो अगर पूछा जाए कि लेटराइट मिट्टी में किस तत्व की अधिकता होती है, ठीक है, तो इसमें लोह ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड की अधिकता होती है। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रारूप लोहे का अतिरिक्त होने के कारण अनुर्वर होता जा रहा है। तो वही है लेटराइट मिट्टी, इसमें जो लोहे का प्रारूप पाया जाता है इसके होने के कारण अनुर्वर होता जा रहा है। नेक्स्ट, भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है, तो भारत में जो सबसे बड़ा जो मिट्टी का वर्ग है वो है कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी का, जैसे इसे जलोढ़ मृदा भी कहा जाता है, ये नदियों के द्वारा बहाकर जो लाए गए अवसाद होते हैं उन्हीं से निर्मित इस मिट्टी को कछारी मिट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। तो जो गंगा के जो पुरानी कछारी मिट्टी होती है उसे बांगर कहा जाता है। जो बांगर होती है तो ये पुरानी उनके मिट्टी होती है, और इसमें क्या होता है, इसमें
चूने वगैरह की जो मात्रा होती है वो अधिक हो जाती है, और ये जो इसका जो निम्न प्रदेश होता है वो काफ़ी उपजाऊ होता है, जबकि ये तुलनात्मक रूप से कम उपजाऊ होता है जो बांगर क्षेत्र होता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है। तो भारत में जो सबसे अधिक जो उपजाऊ मृदा है वो है आपका जलोढ़ मृदा। जाहिर सी बात है, जब नदियों द्वारा जो बहाकर अवसाद लाए जा रहे हैं तो ये काफ़ी उर्वर होते हैं और फसल इसमें बहुत अच्छी होती है, जैसे कि गन्ना होता है, गेहूँ होता है, चावल होता है, और भी बहुत सारी फसलें इसमें उगाई जाती हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। तो जो बलुई दोमट मिट्टी होती है इसमें जो जल धारण करने की जो क्षमता होती है वो सबसे कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। वही सेम क्वेश्चन है, दोबारा रिपीट हो चुका है, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दुमट्टी लोम मिट्टी में कौन सा कण मिलता है। तो जो दुमट्टी या लोम मिट्टी होती है उसमें कह रहा है कि बालू का कण, चिकना कण, पांसु कण, सभी प्रकार के कण, तो इस मिट्टी में सभी प्रकार के कण विद्यमान होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक होती है। तो जो पश्चिमी राजस्थान की जो मिट्टी होती है उसमें कैल्शियम की जो मात्रा होती है वो सबसे अधिक होती है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है। तो भूमि की उर्वरता को बढ़ाने के लिए जो उड़द की फसल उगाई जाती है, हम लोग जानते हैं कि जो मिट्टी होती है उसमें नाइट्रोजन का छिड़काव किया जाता है, तो ये वायुमंडल में तो नाइट्रोजन है लेकिन डायरेक्ट मिट्टी में नहीं पाई जाती है, और ये जो उड़द की जो फसल होती हैं इनको उससे अवशोषित करती हैं वायुमंडल से, तो जिसकी वजह से जो मिट्टी की उर्वरता शक्ति होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है, मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है। तो लाल रंग होने का कारण यही होता है कि उसमें जो लोहा होता है उसमें उसकी अधिकता या लोहे की ऑक्साइड पाई जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता के कारण मिट्टी लाल दिखाई देती है। नेक्स्ट है, कथन कारण रही भी, हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। देखिए ये गलत है, वहाँ पे ह्यूमस प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता है। कारण है, हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वन आच्छादित हैं। ये सही है कारण कि वहाँ पे जो हिमालय में आप घूमने जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि मोस्टली जो हिमालयी रीजन है वो क्या है, वनों से ढके हुए हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, ये गलत है परंतु आर सही है। अगला है, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है। तो पौधों को जो सबसे अधिक पानी जो मिलता है वो किस मिट्टी में मिलता है, चिकनी मिट्टी में सबसे अधिक पानी मिलता है। अगला है, करेवा मृतिका जो जफरान के उत्पादन के लिए उपयोगी है पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाती है, कश्मीर हिमालय में पाया जाता है। करेवा क्या होता है, करेवा ये एक प्रकार की क्या है, मिट्टी है, और ये जो वहाँ के जो हिमनद हैं, जो हिमोड़ हैं, उनके द्वारा निर्मित होता है, और वहाँ पे जाफरान की खेती होती है। जाफरान क्या होता है, जाफरान को केसर भी कहा जाता है, और केसर के लिए सबसे ज़्यादा जो चर्चित जगह या सबसे प्रसिद्ध जो जगह है वो कश्मीर हिमालय में ही स्थित है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबा दें जिससे कि जो भी अगला वीडियो पड़े उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।